खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे 53 है मेरे 130 डे चैलेंज का। एंड अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। एंड आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात करूँ तो आज भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिटरली एक्चुअली अभी मैं आया हूँ अपना NCOBC सर्टिफिकेट बनवाने। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, अभी पता नहीं कब तक वो बनेगा। आई होप कि 21 सितंबर तक, जो मेरा लास्ट डेट है कैट एग्ज़ाम के फॉर्म का सबमिशन का, होप कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 21 सितंबर से पहले तक बन जाए ताकि मैं अप्लाई करूँ। और अगर नहीं बन पाता तो मैं ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगा, आप इतना दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ उसके लिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो पहले ही बन जाता। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया फॉर्म फिल करने में, जिसकी वजह से मुझे रीअप्लाई करना पड़ गया और उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो गई। बट होप कि वो 21 सितंबर से पहले तक बन के रेडी हो जाए ताकि मैं उसको अप्लाई करूँ। अगर नहीं भी बन के रेडी होता तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगा। 20 मैंने अपने खुद के लिए लास्ट डेट रखा है, उस समय तक तो कर ही देना है। तो आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात करूँ तो अभी तक की तो कहानी यही है, अभी आगे देखता हूँ क्या करना है मुझे। अभी कुछ ऐसा सर्टेन नहीं है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बट चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। तो अभी लगभग 9 बज रहा है और मैं अभी जस्ट क्लास करके उठा हूँ। लगभग 3 घंटे का क्लास था भाई, सच में बहुत ज़्यादा ही मस्त क्लास था। मतलब भाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के बारे में बात हुआ कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपको, कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, किस चीज़ के लिए टारगेट करना है, ऑल दैट। तो 9 ऑलरेडी बज रहा है और अभी जाकर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि आज मैं रोटी और ऑमलेट बना लेता हूँ, फटाफट बन जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे खाना बनाने के बाद। तो ये डो तैयार हो गया है आटे का, आई होप ज़्यादा गीला नहीं हुआ हो, प्रॉपर तरीके से रोटी बन जाए। पता नहीं अभी देखो कैसे बनती है रोटी, नॉट सो परफेक्ट बट धीरे धीरे परफेक्शन के लेवल पे जाएगा ये रोटी बहुत जल्द। मतलब इसी बात में, मतलब नेक्स्ट टाइम, अभी जो ये है ना, इसका नेक्स्ट वाला रोटी देखना कितना परफेक्ट बनेगा। मेरे साथ हमेशा यही होता है, पहली रोटी हमेशा खराब बनेगी, दूसरा उससे बढ़िया, और फिर तीसरा चौथा से एकदम परफेक्ट गोल। A few inches later. तो देखो ये है मेरी आई थिंक तीसरी या चौथी रोटी, और देखो कितना परफेक्टली गोल हुआ है, और ये फूलेगा भी, मैं आपको दिखाऊंगा। भाई लिटरली मैंने 4 अंडे डाल दिए भाई, 4 अंडे का ऑमलेट भाई, भाई साहब गजब। सो आई एम रेडी विथ माई डिनर। ये रहा 4 अंडे का ऑमलेट और ये 4 रोटी, भाई बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लगभग 1 घंटा लग गया मुझे ये बनाने में। तो अभी जाता हूँ पहले खाने, मिलता हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद। तो रात के अभी 10:30 बजने वाले हैं और मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है भाई, पूरा पेट फुल हो गया है। और हालांकि एक बात मुझे आज फील हो रही थी कि ऐसे डे प्लान नहीं करके जाता हूँ मैं, मतलब ऐसे डे प्लान अगर मेरा नहीं रहता है कि आज क्या कुछ करना है मुझे, पहले से मुझे पता नहीं रहता है, तो रात में ऐसा फील होता है कि यार आज दिन अच्छा कुछ नहीं गया। एंड क्योंकि मेरे पास काउंट करने के लिए कुछ काम नहीं होता है, लेकिन हाँ आज मैंने ये किया। बट कोई बात नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा अब थक चुका हूँ, मैं जाता हूँ अब सोने, खा भी लिया है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। तो इसी नोट के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, एंड साथ ही साथ इस ब्लॉग को लाइक करिएगा ज़रूर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप नए पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
तो मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड यस, सी यू टुमारो।